हमारे शहर सासाराम का फर्स्ट वाटर पार्क रिमझिम वाटर पार्क। हेलो दोस्तों नमस्कार, हम आज आ चुके हैं सासाराम से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ तारा चंडी मंदिर के नज़दीक। वहीं से थोड़ा सा आगे एक नया और सासाराम का पहला रिमझिम वाटर पार्क खुला है। ये हमारे सासाराम का फर्स्ट वाटर पार्क है। आइए इस वाटर पार्क में घूमते हैं और यहाँ पे मस्ती करते हैं। आप भी आइए हमारे साथ, वीडियो में बने रहिए और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मस्ती कीजिए इस वाटर पार्क में। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और यहाँ लॉकर क्यू है और कस्टम। ये लॉकर रूम है, यहाँ पर अपना सामान आप सुरक्षित रख सकते हैं इस लॉकर रूम में। रिमझिम वाटर पार्क में अच्छा व्यवस्था किया गया है। देखिए यहाँ का वाटर पार्क रिमझिम वाटर पार्क है सासाराम का। ये हमारे शहर का सासाराम का फर्स्ट वाटर पार्क है। ये हमारे सासाराम में पहले हमारे शहर में कोई भी वाटर पार्क नहीं था, अब जाके ये फर्स्ट वाटर खुला है। आज आप सबको यहाँ का वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो में बने रहिए और यहाँ का वीडियो देखिए और मेरे साथ मस्ती कीजिए इस वाटर पार्क में। और वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबको ये वाटर पार्क कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस वाटर पार्क में आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। ये बस हमारे शहर सासाराम से करीब 5 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ है, तारा चंडी मंदिर के थोड़ा सा आगे। ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत वाटर पार्क बनाया गया है। पहले हमारे शहर सासाराम में कोई भी वाटर पार्क नहीं था, अब जाके ये वाटर पार्क खुला है। पहले लोग यहाँ से कहीं और जाते थे वाटर पार्क के लिए, गया बनारस और कहीं दूर दूर लोग जाते हैं, लेकिन अब हमारे ही शहर में सासाराम में ही ये वाटर पार्क खुल चुका है, बनकर तैयार हो चुका है और भी इसमें काम चल रहा है। आप यहाँ आसानी से आकर अपने बच्चे अपने परिवार के साथ मस्ती कर सकते हैं। हमारे शहर सासाराम का ये वाटर पार्क रिमझिम वाटर पार्क है, ये बहुत ही। वीडियो में बने रहिए और आइए आगे चलते हैं, आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। देखिए ये वाटर पार्क और ये आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वाटर डांस करने के लिए भी एक जगह बनाई गई है। देखिए बने रहिए, देखिए हमारे पीछे वाटर पार्क चालू हो चुका है। हम भी यहाँ पे पहले बार आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों से सुना था कि वाटर पार्क बन रहा है हमारे शहर सासाराम में, तो आज सोचे चलो यहाँ घूम ही लेते हैं कैसा वाटर पार्क है। हमें तो अच्छा लग रहा है, आप सब भी वीडियो देखिए और आप सबको भी पसंद आ रहा है ये वाटर पार्क, तो आकर यहाँ पे घूमिए और मस्ती कीजिए इस वाटर पार्क के जिम में। देखिए और सारे लोग आ चुके हैं इस वाटर पार्क में, देखिए मस्ती कर रहे हैं लोग। हम अभी पहले पहले आए हैं यहाँ पे फर्स्ट में, सुबह सुबह ही, अभी ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, अभी लोग आए हैं और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये मेरा बेटा है आदित्य, ये भी आया है मेरे साथ आज घूमने के लिए वाटर पार्क में। देखिए ये खूब मस्ती कर रहा है पानी में। ये देखिए आगे वाटर बेग भी यहाँ पे बन रहा है, इसका काम अभी चल रहा है। लेकिन पानी इसमें भर दिया गया है, लोग नहा भी रहे हैं इसमें। बन रहा है, काम चल रहा है, वाटर बेग है जो अभी बन रहा है।
और देखिए लोग इसमें अभी नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो देखने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए और लोग भी अब आ गए हैं, लोग बढ़ने लगे हैं इस वाटर पार्क में। सुबह का समय है, बहुत ठंड लगा था तो बहुत कम लोग थे, और कुछ लोग आ पहुँचे हैं यहाँ पर और मस्ती कर रहे हैं इस वाटर पार्क में। देखिए आइए वाटर पार्क में, देखिए यहाँ पे ऊपर हम चढ़े हुए हैं, यहाँ से आप सबको चारों तरफ का दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पे रिमझिम वाटर पार्क करीब सुबह 10 बजे खुल जाता है, आप सुबह में आ सकते हैं और यहाँ मस्ती कर सकते हैं। बच्चों को ना ले जाए, मोबाइल की बैटरी की भी व्यवस्था हमारे पास आ गई है कि आप पानी में मोबाइल से स्विच कर सकते हैं। का पहनना है बच्चों को ना ले जाए, मोबाइल की बैटरी की भी व्यवस्था हमारे पास आ गई है जिससे आप पानी में मोबाइल से स्विच कर सकते हैं। हमारे दोनों काउंटर पे ये सुविधा उपलब्ध है, कस्टम काउंटर और अंदर भी कस्टम जहाँ मिलता है आपको वहाँ से ये सुविधा ले सकते हैं। हमारे पास फैमिली डीलर के लिए कैबिन की सुविधा शुरू हो गई है, आप उसका लाभ काउंटर से संपर्क करके ले सकते हैं। वेलकम टू रिमझिम वाटर पार्क, वेव का पानी गहरा है। तमाम हमारे कार्यकर्ता अपने अपने कामों पर लौट जाए। इस पुल के चारों तरफ ये रेलिंग लगाई गई है जिसमें से पानी का फुहारा बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देखिए इसको, इसमें बीचों बीच आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं और दोनों तरफ से आपके ऊपर पानी के छींटे पड़ेंगे, बहुत ही
अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए बच्चे कैसा डांस कर रहा है, इसको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए कितना खुश है और नाच रहा है। म्यूजिक चल रहा है लेकिन हम लोग म्यूजिक को म्यूट किए हुए हैं क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहता है। देखिए किस तरह से एंजॉय कर रहा है बच्चा। आइए वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे चलते हैं। चारों तरफ फिर बनाया गया है इस तरह का, ये पानी का फुहारा फेंकने वाला। देखिए इस पुल के चारों तरफ से बनाया गया है। वो अपने भैया परहेटा के कुलदीप खोज रहा है। एक छोटा बच्चा अंकित जो मेरे पास खड़ा है मेन गेट के पास, वो अपने भैया परहेटा जी को ढूंढ रहा है। अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक जान रही है तो आप मेन गेट पर चले आए, जहाँ से चले आइए। परहेटा के कुलदीप जी अगर मेरी आवाज़ को सुनते हैं तो वो मेन गेट के पास चले आए। उनका भाई अंकित ढूंढ रहा है। ओवर एंड आउट। आइए चलते हैं देव पुल की तरफ, उधर का भी दृश्य देखते हैं कैसे लोग देव पुल में नहा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस देव पुल को। आ चुके हैं देव पुल में। अभी इसमें लहरें नहीं उठ रही है, अभी इसका काम चल रहा है। देखिए आदित्य किस तरह से तैर रहा है। और सारे लोग भी इसमें नहा रहे हैं।